तो ये है मेरा अगला और आखिरी स्टे प्राग में। ये है बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर एक बहुत पुरानी आलिशान बिल्डिंग के अंदर, मैं दिखाता हूँ। जस्ट स्टेयर्स हैं, नॉर्मल स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। ये नॉर्मल कॉरिडोर है बेसिकली। ये है एक कॉमन स्पेस होटल रूम के पास में, और ये है मेरा रूम। वाह, कुछ इस तरह का दिख रहा है इनका बाथरूम। एक बाथटब भी है। बेड पुराने टाइप के लैंप रखे हुए हैं, बेड भी पुराने काफी स्टाइल का है। और हवा के लिए और रोशनी के लिए ये दो इतने बड़े बड़े रोशनदान हैं। होटल एकदम प्राइम लोकेशन पे, मैंने इसके लिए करीब करीब 3500, देखो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं, इस लोकेशन पे लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। जनरली आपको कोविड टेस्ट सॉरी ये आपको दिखाना पड़ता है, तो जनरली किसी भी होटल में लॉगिन करने के लिए आपको दिखाना पड़ता है पासपोर्ट, वीज़ा नंबर, और अभी इम्पोर्टेंट हो गया EU कोविड डिजिटल सर्टिफिकेट, या फिर आपको इंडिया वाला भी चल जाएगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ता है होटल्स में। मेरे पास में EU का है तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और होटल का नाम एक बार मैं बता देता हूँ, मेरे को भी सही से याद नहीं, क्योंकि मैं बुकिंग कॉम बेसिकली यूज़ करता हूँ कुछ चीज़ बुक करने के लिए। इसका नाम है होटल यू जलाते हो येलेना। तो ये इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टी है इनका, ये इन हाउस रेस्टोरेंट भी है आगे जो दूसरी तरफ गली के दूसरी तरफ खुलता है, और यहाँ एक दूसरा एंट्रेंस है, आप होटल की सर्विसेज यूज़ कर सकते हो होटल में आना जाना। जैसे रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा 10 बजे, तो ये वाला एंट्रेंस इनका खुला रहेगा रात में रात को आने के लिए। और बाहर निकलते हैं होटल से, आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। और लेफ्ट में देखेंगे आप एक आलिशान इमारत जो कि ऑब्वियसली एक चर्च है। ये गली चौबारे भी एकदम अलग हैं, अगर आप देखो एकदम इंटरेस्टिंग बने हुए हैं। मौसम सुहाना है आज। जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ इसका इंग्लिश में नाम है गोल्डन डेयर, और ये बिल्डिंग भी 1350s के अराउंड बनी हुई है, 1366 आई गेस अगर मेरे को सही से याद हो तो। कितनी पुरानी हो गई, 600-650 साल पुरानी बिल्डिंग है ये भी, और इतनी आलिशान बिल्डिंगें बनाई हुई इतने पहले के टाइम में। ये देखो, एकदम अलग एक्सपीरियंस है।